बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है रजोया व्लॉग, और मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त अब्दुल हमीद। ये रजोया का सबसे बड़ा स्टोर है, जनरल स्टोर, और सबसे बड़ी बेकरी है, और यहाँ पर मुनासिब चीज़ें दस्तयाब हैं पूरे गांव में से। हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब रेट, हवेलियाँ शहर से मुनासिब रेट पर। और वो पीछे हमारे फराद भाई टोकरियाँ पैक कर रहे हैं, और जो बेकरी के मालिक हैं वो भी एक बहुत ही नाइस और ज़बरदस्त इंसान है। मेरे 7 साल उनके साथ हो चुके हैं काम करते हुए, और फराद भाई बोल रहे हैं मेरे 10 साल हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे है। वो उनका रवैया हमारे साथ होता है, कभी कभार सख्ती भी होती है, लेकिन वो अच्छी बातें होती हैं। सख्ती ना होती तो हम ऐसे काम ना करते। ये माशाल्लाह बड़ा स्टोर है। मैं सुबह 7:30 बजे ड्यूटी पे आ जाता हूँ, बेकरी पे आ जाता हूँ, और असर के बाद मुझे छुट्टी हो जाती है, जुमा के दिन मेरी छुट्टी होती है। ये निकाह के लिए टोकरियाँ बनाई जा रही हैं जी, ये पैकिंग हो रही है, ये फराद भाई पैकिंग कर रहे हैं। ये टोकरियाँ पैक हो चुकी हैं, ये शापरों में ये जामुन और स्कूले डाल चुके हैं, ये बर्फी है जी, और इधर कार्टन में पैक हो चुकी हैं। ये सामने हमारा कारखाना है, और ये पापा जो हैं लाई हो रही है, बाहर बारिश है जी। ये हमारा बाजार, दूसरी साइड जो है हमारे जो उस्ताद हैं वो नमक बारे बना रहे हैं, और इस साइड जो है जैन भाई वो हमारे गांव की मशहूर सौगात है उम्र से वो निकाल रहे हैं। ये 3 बजे काम कर रहे हैं इस कारखाने में। अभी ये चावल लगाए जा रहे हैं, ये टोटल चावल 120 150 चावल बहुत महंगे हो चुके हैं, बड़ी महंगाई है संगियो, मेरे तो भी लाना। ये फराद भाई जो है चावल लगा रहे हैं, बहुत मेहनती शख्स हैं, बहुत फर्मा बरदार और वफादार दोस्त हैं हमारे, हार्ड वर्क कर रहे हैं। थैंक यू फराद भाई। ये बेकरी से चंद कदम दूर हमारा कारखाना है, यहाँ पर बिस्किट केक वगैरह तैयार होते हैं, और इस टाइम जो है हमारे जैद भाई जो हैं ये इसमें अंडे की जो है सफेदी और खोपरा चीनी ये डालकर जो है बना रहे हैं कोकोनट। और ये अंदर जो है कारखाना है, अंदर भी जाकर हम आपको दिखाते हैं। ये है जी कारखाना, ये ट्रेन वगैरह, और इधर इस टाइम ये देसी ओवन, और ये रस वगैरह, ये केक रस वगैरह तैयार हो रहे हैं। इधर केक जो है पड़े हुए हैं, ये देखें केक, इधर ये पेस्ट्री के लिए ये स्पंज तैयार किए गए, और ये केक पीस, ये इस टाइम इसके अंदर केक तैयार हो रही है। अब जो है फराद भाई हमारे प्यारे भाई, ये देखें ये डिज़ाइन बन गया है पकवान के पीछे, ये देखिए जी ये सारे ट्रे में पकवान ही पकवान। ये लोग इधर जो है शादी ब्याहों में अपनी बच्चियों को ससुराल जाते हुए देते हैं साथ, इस साइड जैन, और ये हमारे उस्ताद जो कि खाना खा रहे हैं। अभी ये अपने घर को जाएंगे क्योंकि अपना बाद जाते हैं, वही पकवान है अभी इनको ऑयल में पकाया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।